तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, बहुत टाइम के बाद ब्लॉग चालू किया है क्योंकि इतना बिजी चल रहे थे ना कि आज नहीं कल। वैसे कभी कहीं मैंने ना फुटेज शूट करके रखे होते हैं, लेकिन फिर बाद में ना एक स्टोरी नहीं क्रिएट होता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता वैसा। तो अभी आज संडे है, देखो ग्रंथ अभी काम कर रहा है क्योंकि उसका अभी पढ़ाई चल रहा है, उसका एग्जाम है। और ये पीछे से आवाज़ इतनी सारी आ रही ना, मैं विंडो बंद करता हूँ इसका। तो गाइज, अभी परसों है ना होली है, तो यहाँ पे है ना महाराष्ट्र में बहुत कन्फ्यूजन था। एक्चुअली हर एक को कन्फ्यूजन है कि होली कब है। हम लोगों का एक्चुअली छुट्टी था वेनसडे को, लेकिन फिर बाद में है ना पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई छुट्टी को हम ट्यूसडे कर देते हैं, तो हमारा ट्यूसडे छुट्टी है। तो आइडियली कल होगा होली दही का और परसों होली खेली जाएगी। लेकिन आज न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा है कि काफ़ी सारी जगह पे होली वेनसडे को भी सेलिब्रेट होगी, मनाई जाएगी। एनीवेज, तो पिछले काफ़ी दिन से मतलब थोड़ा सा बिजी चल रहे थे क्योंकि हमारा एक शूट चल रहा था, तो वे शूट पे जाना आना दो दिन वहाँ पे गए थे क्योंकि बहुत लेट नाइट हो जाता था। तो आपके शूट के भी कुछ पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जब अगर ऑन एयर आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो एनीवेज, अभी ग्रंथ पढ़ाई कर रहा था और अर्पिता ने अभी उसका पढ़ाई स्टार्ट किया है। तो अभी ग्रंथ की एग्जाम कब से है तुम्हारी? 10th से है ना, तो 10th से एग्जाम है। और ग्रंथ है ना, हम लोगों को पता चला कि ना स्कूल में ध्यान दे रहा है ना ट्यूशन में ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसकी कंप्लेन आई है इसीलिए। तो अभी अर्पिता ने उसको पढ़ाना शुरू किया है। आई थिंक अर्पिता ही बेटर टीचर है ग्रंथ के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। अर्पिता का है ना सिर्फ थोड़ा सा मैथ्स गड़बड़ है, अदरवाइज वो बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगी। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब से ट्यूशन वही ले करेगी, मैथ्स के लिए हम सिर्फ ट्यूशन भेजेंगे, बाकी का ट्यूशन ही करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हमें और अर्पिता को ऐसा लग रहा था कि ग्रंथ ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, तो मतलब हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उसके साथ और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मतलब हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग रहेंगे ना, वो ऐसा ही होता है कि हाँ चलो बच्चा स्कूल जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो उनको ऐसा लगता होगा कि बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन आप लोग भी है ना थोड़ा सा उनके साथ बैठ के उनको रिविजन करके पूछोगे ना, तो शायद आपको पता चलेगा कि आपका बेटा कहाँ पे है। क्योंकि हमने जब अर्पिता ग्रंथ के साथ बैठी थी तब उसको पता चला कि उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, मे बी उसके कुछ डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो हमने पूछा कि भाई डाउट्स अगर क्लियर होते तो मैं टीचर से क्यों नहीं पूछा। तो कभी कभी होता है ना कि टीचर रिस्पॉन्ड नहीं करते, या तो भी बच्चे लोग डरते हैं, इस वजह से वो उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे हम जब सिखाते हैं ना तो प्रॉपरली सब वो एकदम खुल के बोलता है। तो मैं भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोला कि टीचर अच्छा नहीं सिखा रही है, सब अच्छा है अपने बच्चों के पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा मत समझो कि ट्यूशन जा रहे हैं तो फिर अपना काम हो गया। और बाय द वे, मुझे ये GoPro 11 ये ना, हाँ GoPro 11 मिला है। तो ये है ना अर्पिता के कज़िन है जो US में रहता है, तो वो पिछले जनवरी में वो इंडिया आया था, तो वो हमारे लिए लेके आया था और अभी तक मैंने उसको ओपन ही नहीं किया है। मैंने मतलब खुद से भी मैंने अभी प्रॉपरली देखा नहीं है कि कैसा है, तो आज चालू करूँगा और इससे शूट कैसा चल रहा है इसका। मैंने क्योंकि सब कुछ है, स्टैंड वैंड सब कुछ है इसमें, सारे एसेसरीज दिए हुए हैं, बैटरी वैटरी सब दे दिया है उसका। देखो पूरा किट ही है इसका। ये क्या है, ये गाड़ी या हेलमेट पे कहीं तो फिट करने के लिए रहेगा। बैटरी है ये मोबाइल, हेलमेट, कार कहीं तो लगाने के लिए सब दिया हुआ है। तो गाइज GoPro स्टार्ट हो गया है। और ये वाह, देखो आगे से भी इसका डिस्प्ले है, आगे है और पीछे भी है। अभी मुझे थोड़ा सा इसमें R&D करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मतलब मैंने यूज़ किया है GoPro, बैटरी 1% है चार्ज करते है इसको, बहुत कम बैटरी है। तो एक बार है ना मैं पूरा सा उसको R&D करके दिखाता हूँ। दोनों स्टार्ट किया हुआ है गाइस, देखो एक तरफ मोबाइल चल रहा है, एक तरफ GoPro चल रहा है। दोनों का वाइड एंगल कैसा है और रिजल्ट कैसा है वो मुझे बताना आप, तो मुझे बाद में पता चलेगा लेकिन आपको पहले पता चल जाना चाहिए क्योंकि मैं दोनों तरफ से शूट कर रहा हूँ इसीलिए। बट इतना अच्छा लग रहा है ये, मिरर में भी देख लेते एक बार, ठीक है उसका लाइटिंग कैसा है, उसका एक्सपोजर कैसा है, ये सब एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, तो बाहर हम लोग आए हैं अभी ग्रंथ का है ना होली का शॉपिंग करने के लिए ना ग्रंथ, तो अभी हम लोग ले रहे हैं पिंक कलर और एक ले रहे हैं रेड कलर ना ग्रंथ। ओके, नहीं नहीं दो कलर ही मिलेगा, अरे येलो करा दो। एक
येलो करना है, ठीक है बोल दिया मैंने, येलो कर देना। देखो मार्केट में ग्रंथ, उधर होली का शॉप फुल हर जगह ना, तो ग्रंथ का अभी कलर, होली का कलर सब ले लिया। अभी हम लोग शाम को आए हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि हमें टाइम मिलता है सैटरडे संडे का ही टाइम मिलता है, इसलिए हम यहाँ आके वॉक करते फटाफट। तीन चक्कर लगाएंगे, देखो ये ग्राउंड वाला जो हम लोग नॉर्मली आते हैं, तीन चक्कर लगाएंगे इनफ है ना, लगाना है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता और मैं थोड़ा सा लेजी तो हूँ, हर पिता ज़बरदस्ती पकड़ के फिर ले करके चलो वॉक करने चलते हैं, फिर आ जाते हैं। हाँ ये नया बनाया ना, ये इनके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया। अच्छा बनाया बैठने के लिए। मीरा भाईंदर श्रेष्ठ नागरिचा। आज ग्रंथ नहीं आया क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ उधर खेल रहा है, और सालों ने अभी से होली स्टार्ट कर दिया खेलना। ए शू करेज शू, देखो ये देखो, अभी कल होली है और अभी से तैयारी उसकी। yes. क्या कर रहा है? रात हो गई, मतलब कर क्या रहा है तू? हाँ? ये तो भर, अभी मैं फिल करूंगा फिर और उसका दिन देखूंगा। पर होली तो परसों है बेटा। हाँ? होली जो है खेलने हाँ? वाली होली वो परसों है, लेकिन हम इसे रेडी करना चालू करूंगा ना। देखो गाइस अभी रात के 2 बजे और बारिश हो रही है बाहर, और आज होली दहिका का दिन है आज ना, स्काई पूरा आसमान है ना, ऐसे बिजली की आवाज़ आ रही थी और एकदम से मैं उठ गया। देखो गुड मॉर्निंग हो गया और सुबह सुबह इसका प्रैक्टिस भी शुरू हो गया। ये ऐसे क्या करता है? नॉकिंग। हाँ नॉकिंग नहीं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सेकंड डे और बस अभी हम लोग ऑफिस के लिए मैं निकल रहा हूँ, और आज होली दही का वाला दिन है, आज होली दही का होगी, तो आप सबको होली की शुभ कामनाएं। कल खेलने वाली होली है तो कल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो गाइस हम लोग कल जब हम लोग ग्राउंड में थे तो मैं और अर्पिता आप लोग को बता रहे थे कि हमें कुछ बताना है, तो हम ये बता रहे हैं कि गाइस हम लोगों ने ना अभी ये हमारा मतलब हमने ये घर बेच दिया है, हम अभी अपने दूसरे नए घर, हम लोगों ने नया घर लिया हुआ है, वो है 2 BHK, तो ये घर था 1 BHK, तो ये रूम है बेडरूम, ये किचन और ये ड्राइंग रूम है, तो ये हम आपको बताना चाहते थे कि हम हमारे नए घर में बहुत जल्दी ही शिफ्ट होने वाले हैं, पोजीशन मतलब ज़्यादा दूर नहीं है और नया बिल्डिंग है, इसीलिए सब कुछ रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। तो हम आपको ये शेयर करना चाहते कि ये घर में हमारा अभी बहुत ज़्यादा हमारे दिन नहीं है, हम ये घर हमने बेच दिया है एक्चुअली ऐसा है, और अभी हम ये घर में ना रेंट पे रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा घर मतलब ये कर लिया, इसलिए क्योंकि क्या था कि वो घर मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए हम हमारे घर में ही रेंट पे रहते हैं अभी। तो ये हम आपको न्यूज़ बताना चाहते थे, अब हम नए घर में जब जाएंगे तब मैं आपको नया बिल्डिंग भी दिखाऊंगा नए, क्योंकि क्या है ना कि अभी मैं एक दो बार अंदर जाके देख के आया हूँ, और वहाँ पे जो बिल्डर है ना वो हमें इतना परमिशन नहीं दे रहे कि आपको अंदर से फ्लैट दिखाया जाए, फिर भी हम लोग तो देख के आए हैं, लेकिन अभी प्रॉपर हम आपको फ्लैट दिखाएंगे कि कैसा है वो, तो ये हमें बताना था आपको। तो अभी निकल रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए, जूते पहन लेता हूँ, 1, 2 एंड 3 चलो जय श्री कृष्ण। हाँ अब मम्मा ने कहा बाय जादूगर, चलो बाय जय श्री कृष्ण। अर्पिता आज ना ट्रेन में भीड़ कम होगा क्योंकि होली की छुट्टियां है ना, इसीलिए काफ़ी सारे लोग बाहर चले गए होंगे, ज़्यादा क्राउड तो नहीं होना चाहिए, बट एक बार ट्रेन में चढ़ेंगे तब पता चलेगा। वैसे तो मुझे तो जगह मिल ही जाती है, मेरा टेंशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्राउड की बात कराऊँ मैं। नहीं है यार क्राउड तो, लोग तो भाग ही रहे। मेरा ट्रेन ठीक 4 मिनट में आएगा, ये देखो दादर।
हैप्पी होली। ग्रंथ इधर आ जाए, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं और ग्रंथ और पापा है, अम्मी तो ऑफिस में है तो वो नहीं आ पाएंगे। अभी होली दहन हो रहा है, आपको दिखाएंगे सब हम लोग कैसे करते हैं। ये देखो ग्रंथ ने लगा दिया। गाइस 11 बज रहे हैं और अभी मैं बोरीवली में हूँ। अभी आदित्य के साथ गाड़ी से उतर के अभी ऑटो से घर जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे आधा घंटा और लगेगा। थोड़ी पूजा हो चुकी है लेकिन अगर बिल्डिंग में देखेंगे थोड़ी सी पूजा करके फिर घर निकलेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। थोड़ा सा काफ़ी काम था ऑफिस का, तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं। ग्रंथ का फ़ोन दो तीन बार आ चुका है कि डैडी कब घर आ रहे हो। बस अभी निकल रहे, पूजा करेंगे, अभी कल होली खेलेंगे आराम से।